त्रिलोचन चैलेंज किए हैं। आज जैसे कि आपको पता है कि आज तीसरा दिन है, मतलब ट्रिप से निकलने से लेके अभी तक तीसरा दिन है। और आज का सुबह हो रहा है डायरेक्टली बीच में, सुबह का सनराइज के बारे में उस समय आ नहीं पाए थे, लेकिन बस देर से ही आए, लेकिन बहुत ही अच्छा चीज़ के बारे में पता चला जो कि थोड़ा सा आगे, मतलब गोल्डन बीच से अराउंड 3 से 4 किलोमीटर आगे आने के बाद एक नदी मिली जो कि मिक्स होती है समुंदर से। आप इसी को देख सकते हैं, जो मेरे पीछे है वो नदी है और अगर इस साइड में आए तो वही समुंदर है। तो यहाँ पर हम लोग घूमने के लिए आए हैं, ये पूरा नदी है, उस साइड शहर है और यहाँ ना समुंदर साइड था तो जो हवा चल रहा था वो थोड़ा गर्म था, नमी लगी गर्म था, लेकिन यहाँ पे जो हवा चल रहा है ना एक्चुअली में इसका हवा में नमी है और साथ साथ में ठंडा भी है। ये है मुआना बीच, यानी कि एक ही नदी इसके समुंदर के आमने सामने पूरी का जो कि मिक्स हो रहा समुंदर। ये है वो नहाने। अब कुछ ही देर में समुंदर, पहली बार मतलब कि अभी तक तो एक बार भी टच नहीं किया समुंदर के पानी को, लेकिन हमारे पास पास ले लिए हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डेट 1 जनवरी को नहाने के लिए ब्लू फ्लेक बीच, जो कि अच्छा प्लेस है, मतलब कि यहाँ पे सेफली इजीली आप नहा सकते हैं। ये है टिकट, हमारे त्रिलोचन आ गया है, अब बहुत जल्द यहाँ डुबकी पे डुबकी मारा जाएगा, तो मिलते हैं पानी में। और ये मैंने अपना कैम जो कि वाटरप्रूफ है निकाल लिया है, अब इसी में वीडियो शूट करूँगा।
हम और त्रिलोचन चैलेंज किए हैं कि इस वेव में कौन कितना देर और कितना डिस्टेंस तक ज़्यादा देर तक खड़ा रहने सकेगा, सर्वाइव करने सकेगा। तो ये हम लोग अभी दोनों को एक ही पोजीशन में है। अब आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, अब देखते हैं कि कौन पहले गिरता है। स्टार्ट। ये नहीं गिर ले। या त्रिलोचन आगे। अभी तक हम लोग दोनों को ऐसा पसिया। अरे पसिया तो फाइनली हमारा सारा चीज़ गोल्डन बीच का यानी कि ब्लू फ्लैग बीच जो है कि प्राइवेट जिसको बोल सकते हैं पैसा देने के बाद पे करने के बाद ही एंट्री है। तो यहाँ पे हम लोग नहा के एकदम फुल रेडी है। हम लोग तो पहले सोच रहे थे कि अमाउंट जो लिया जा रहा है वो किस पर, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो अमाउंट लिया जा रहा है वो एक्चुअली में यहाँ पे जो पीछे देख सकते हैं वहाँ पे समुंदर में नहाने के बाद वहाँ पे नहाने का सुविधा है, यानी कि यहीं से साफ़ सुथरा होकर चेंजिंग करने के बाद आप जा सकते हैं, रूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब सीधे जा रहे हैं कोणार्क मंदिर। अब डायरेक्ट चलेंगे, यहाँ से कुछ खा लेते हैं। एक्चुअली मैं सुबह से ज़्यादा कुछ खाए हुए नहीं है फिलहाल, चलते टिकट है ना। तो अगर आप पूरी आ रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि इसी बीच पे आए,
पार्किंग का भी सुविधा है और साथ साथ में नहाने के लिए भी अच्छी जगह है। समुद्र में नहाने के बाद और अलग से शावर के लिए भी अलग से स्पेस है, लेकिन यही चीज़ अगर बाहर में आप नहाते हैं तो सुविधा नहीं मिलेगा। तो अगर आप पूरी आ रहे हैं तो सजेशन मेरा रहेगा कि यहीं पर आए, और 50 रुपये का टिकट है मात्र, एक जन का 50 रुपये एक पर पर्सन, 50 रुपीज़ ओनली। तो आए और यहीं पर सैर करें। दोपहर का लंच हो चुका है, जा रहे हैं कटक ही रास्ता वाला में। कटक का रास्ता में है कटक मंदिर यानी कि सन मंदिर, सन टेंपल, और बीच में ये होटल पड़ता है। अगर इन केस आप पुरी आ रहे हैं तो यहाँ, अगर पुरी आ रहे हैं और कटक तरफ जा रहे हैं तो यहाँ रुक के ज़रूर खाएं, क्योंकि यहाँ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर और रेट भी बहुत सही था। तो यही कुछ बातें थी। हम लोग के साथ हो क्या रहा है वैसे? जहाँ भी जा रहे हैं हर मंदिर टूरिस्ट प्लेस बंद ही है, कुछ पाप उप करके आए हैं क्या? एक्चुअली मैं अभी तक अराउंड तीन से चार स्टॉपेज ऐसा जगह है जहाँ पे बंद ही पाया गया, लग गए तो थे घूमने के लिए, लेकिन बाहर दर्शन करके बस आना पड़ा। फाइनली यहाँ भी आए थे सन टेम्पल, लेकिन यहाँ भी सेम सिचुएशन, बंद ही है कोविड के चक्कर में, और अभी 3 तारीख तक बंद ही रहेगा। तो इनकेस अगर कभी आना रहा तो ज़रूर फिर से यहाँ पे आएंगे। फिलहाल यही था यहाँ का ब्लॉग पूरा। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट।